अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैंने आप लोग के लिए एक न्यू डेज़र्ट लेकर आई हूँ, वो भी न्यू फ्रूट के साथ। ये हमारा है मलबेरी फ्रेश स्मूदी। और इसके लिए हम लेंगे एक बाउल में क्रीम, व्हिपिंग क्रीम लेंगे हम। ये है नॉन डेरी टॉपिंग वाली व्हिपिंग क्रीम, और इसको हम अच्छे से बीट कर देंगे और उसका टेक्सचर अच्छे से थिक कर देंगे। देखिए हमारी क्रीम जो है वो बीट हो गई है और इसका टेक्सचर भी काफ़ी थिक है। अब हम लेंगे फ्रेश मलबेरीज, और इसको अब हमें बनाना है एक्चुअली में स्मूदी। मलबेरी क्रीम हम नहीं बना रहे हैं, हम मलबेरी स्मूदी बना रहे हैं, इसलिए हमारी जो क्रीम है उसके अंदर हमने थोड़ा सा दूध डाल दिया है। इसको भी हम अच्छे से बीट कर देंगे और थोड़ा थोड़ा करके और थोड़ा दूध डालेंगे। ये थोड़ा सा दूध डाला हमने और इसको अच्छे से बीट कर दिया, ताकि हम उसको ग्लास में जाके जब सर्व करेंगे तो हम इसको स्ट्रॉ से पी सके या तो स्पून से ऐसे खा सके। देखिए कितना अच्छा उसका टेक्सचर हो गया है, पतला सा, ज़्यादा पतला भी नहीं है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। अब इसमें हम हमारी मलबेरीज डाल देंगे। सब मलबेरीज डालना है, आधी डालना है और आधी रखना है। और ये मलबेरी डाल के हमने उसको थोड़ा क्रश कर लिया है, बीटर में बीट कर रहे हैं तो ये क्रश भी हो जाएगी। आप देख सकते हो उसके हल्के हल्के टुकड़े आपको दिख रहे होंगे, और इसका कलर भी आपको चेंज होता हुआ दिख रहा होगा। हमारी जो क्रीम है वो हल्की सी पर्पल कलर की हो गई है। अब ये जो मलबेरीज है उसको मैंने थोड़ा क्रश कर लिया है, इसके दो टुकड़े कर लिया है मैंने, ताकि इसका क्रश हम डाल सकें। ये हल्का सा दूध हमें नीचे डालना है, और इसके ऊपर अब हम डालेंगे हमारी जो बनाई हुई क्रीम है, ये उसके ऊपर डाल देंगे। देखिए ये हल्की सी पर्पल कलर की है, बहुत प्यारा सा ब्यूटीफुल कलर है इसके ऊपर। ये हम दोनों ग्लास फिल कर देंगे, इसके अंदर मलबेरी क्रश भी है, और ये हमारी स्मूदी तैयार है। इसको ठंडा सर्व करना है हमें। देखिए ये क्रश भी जो है हमारा वो भी जा रहा है। इसको हम स्ट्रॉ से भी पी सकते हैं, या तो आप चाहो तो स्पून से खा भी सकते हो इसको। देखिए, और इसके ऊपर जो हमने मलबेरीज को बीच में से कट किया था, हल्की सी मलबेरीज दोनों के ऊपर डाल देंगे, ताकि जब हम इसे खाएं तो हमारे मुंह में मलबेरीज भी आए, उसका क्रश भी आए और क्रीम भी बहुत अच्छे से लगे। अब इसे हम थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे, ऊपर से मैंने इसके ऊपर क्रीम डाला है। और देखिए कुछ हमारा मलबेरी डेजर्ट तैयार है, काफ़ी अच्छी सी स्मूदी बन गई है हमारी। हम इसको पी सकते हैं, रेडी है सर्व करने के लिए। और ये थोड़ा सा मुझे क्रीम कम लग रही थी, इसलिए मैंने हल्की सी क्रीम और डाल दी ऊपर, और ग्लास हमारा फुल हो गया है। और ये टूथपिक में मैंने मलबेरी को अटैच किया है, और थोड़ा डेकोरेशन के लिए इसके ऊपर उसके ऊपर रख दिया है मैंने। आप भी कैसा भी डेकोरेट कर सकते हो, ये मैंने ऐसा डेकोरेट किया है। हमारी स्मूदी तैयार है। आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ उसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो। देखिए कितनी डिलीशियस लग रही है ये। थैंक यू।